हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेडअप इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेडअप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स 31 जनवरी से आपके 6 फरवरी 2020 में क्या हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं कि जो इंटरनेशनल न्यूज जो आई है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। किसको? कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस जो चाइना से जो स्टार्ट हुआ है ये वायरस, और इससे बहुत सारे लोग इफेक्टेड हो रहे हैं चाइना में और वहां से जो भी लोग दूसरे एरियाज में जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इमरजेंसी ये लग गया है, घोषित कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल संस्था है जो पब्लिक हेल्थ, जो वर्ल्ड लेवल पे इसके बारे में अपनी एडवाइजरी जारी करता है। ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो दोस्तों वो जनेवा में है, जनेवा इन स्विट्जरलैंड। तो यहाँ इसका हेडक्वार्टर है और ये इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ये हेल्थ को मॉनिटर करता है। जितने हम देखते हैं कि जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं उसके बारे में एक बहुत साइंटिफिक जो एडवाइजरी जारी की जाती है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। तो अभी ये जो नोवेल कोरोना वायरस है, इससे इसके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है, इसको एक इंटरनेशनल इमरजेंसी आपातकाल घोषित किया गया है इस डिजीज को। तो जनरली ये क्या डिजिग्नेशन अगर हम लोग देखें तो ये रेयरली इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम ऐसा इंस्टेंस होता है कि इस टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। लेकिन जिस हिसाब से ये केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, चाइना से जो स्टार्ट हुआ है और उसको देखते हुए कहीं दूसरे कंट्रीज में ज्यादा लोग इफेक्ट ना हो जाए, सतर्क जरूरी है और क्या इसके इससे बचने के लिए किया जाए, तो इसीलिए ये इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो जनरली ये हम कह सकते हैं रेयरली यूज्ड डिजिग्नेशन है। इसके अलावा ये अगर हम कोरोना वायरस के बारे में देखें तो कोरोना वायरस क्या है, ये एक वायरस की वेराइटी है जो प्रेडोमिनेंटली मैमल्स को इफेक्ट करती है। तो इसमें ह्यूमंस भी आते हैं मैमल में, और कोरोना वायरस की वजह से हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी, सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसके साथ साथ अगर ये इन्फेक्शन और ज़्यादा लीथल फॉर्म ले ले तब ये हम देखते हैं कि ऐसा रेयर डिजीज में होता है, लेकिन इससे डेथ भी देखी गई है। तो इससे बाद में चल के कोरोना वायरस से आपको निमोनिया भी हो जाता है जो आपके लंग का इन्फेक्शन है, और इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकियोस जो आपके होते हैं अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोरोना वायरस से हम देखते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम नोवेल कोरोना वायरस के बारे में देखें तो ये क्या वेराइटी है, इसको वुहान निमोनिया भी कहते हैं या वुहान कोरोना वायरस। तो इसी की ये एक्चुअली में ओरिजिन जो स्टार्ट हुआ है ये वुहान जो जगह है चाइना में, उससे यहाँ से ये वायरस आउटब्रेक देखने को मिलता है। और इंडिया में अगर हम लोग देखें तो केरला में एक स्टूडेंट को बताया जाता है कि ही इज द फर्स्ट कन्फर्म्ड केस ऑफ कोरोना वायरस, और इसके बाद इंडिया में केरला में अभी भी और भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो केरला में ये स्टार्टिंग हो चुकी है, इसीलिए ये एडवाइजरी ज्वाइन की इशू की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिससे कि सभी देश सतर्क हो जाएं और जो एयरपोर्ट्स में स्क्रीनिंग और उससे रिलेटेड जो भी सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं वो सारे हम लोग देख रहे हैं कि वो कंट्रीज को लेने शुरू कर दिए हैं ऐसी एडवाइजरी जारी होने के बाद। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट देखते हैं जो न्यूज इस हफ्ते हुई है उसमें बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और वहां के जो बोडो ग्रुप्स हैं असम में, उनके बीच में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसे कहते हैं बोडो पीस अकॉर्ड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये मिलिटेंट कौन से ये ऐसे फैक्शंस हैं जिन्होंने ये साइन किया है, तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जो जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, NDFP। तो इसके साथ ये संधि साइन हुई है असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये बोडोस कौन है हमें ये पता होना चाहिए। तो बोडोस अगर देखें तो नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स, जो जनजाति
जो अगर देखते हैं इंडिया में, तो उसमें एक नोटिफाइड एक शेड्यूल ट्राइब है जो असम में रहते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो दीज आर पार्ट ऑफ द जायंट अम्ब्रेला ऑफ बोडो कचारी। तो बोडो कचारी एक बड़ा ग्रुप है, उसी का ये पार्ट है, और बोडो कंस्टिट्यूट अराउंड 5-6% ऑफ आसाम्स पॉपुलेशन। आसाम की 5-6% जनसंख्या बोडोस की है। इसके अलावा अगर बात करते हैं बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल, एक और टर्म बार बार आता है कि ये क्या है, तो भारत में 6th शेड्यूल के अंतर्गत ये एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में जो हमारा संविधान है उसमें विभिन्न शेड्यूल्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ 6th शेड्यूल डील करता है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को। यहाँ बहुत सारे इनको राइट्स दिए जाते हैं इसके तहत। तो इससे पहले भी बोडो अकॉर्ड्स साइन किए गए थे, और अगर हम देखें कि जो ये दूसरा जो बोडो हुआ था, अकॉर्ड साइन हुआ था, इसी से ये बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाया गया था 6th शेड्यूल के अंतर्गत। तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइन किया था पहले अकॉर्ड को 1993 में, और इस एग्रीमेंट से ही बोडो लैंड ऑटोनोमस काउंसिल बनाया गया था, जिसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स भी दी गई थी। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं 2003 में सेकंड बोडो अकॉर्ड, दूसरा बोडो अकॉर्ड साइन किया गया था, और इसको साइन किया था वहां के एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलरली बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स, और सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में ये साइन हुआ था। और इससे क्या फॉर्मेशन हुआ था, इससे 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, उदलगिरी, चिरांग, बस्का और कोकराझार। और एरिया इसके अंदर जो जुरिसडिक्शन में आता था बीटीसी में, उसे फॉर्म किया गया था, उसे कहते हैं बीटीएडी और बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो अभी फिलहाल क्या किया गया है, ये जो अकॉर्ड साइन हुआ है इससे इसको रीनेम कर दिया गया है, इसका नाम हो गया है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, तो बीटीआर इसका अब नाम हो चुका है। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है इसके अंदर अब क्या होगा, आपके कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगिरी डिस्ट्रिक्ट, और जिसमें कहा जाए तो 11% आसाम का एरिया और 10% उसकी पॉपुलेशन इसके अंतर्गत आएगी। तो इस बारी अगर हम देखें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इस अकॉर्ड का, तो इसमें एक तो ये कहा जाए कि वहां की सिविल जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी इसमें इसके एक पार्टी बने हैं। इसके साथ साथ जो वहां का ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन है वो भी एक पार्टी बना है, जिससे क्या है कि अब ज्यादा स्थिरता रहेगी इस अकॉर्ड में, और इससे क्या है कि हम ओवरऑल जो एरिया डिस्टर्ब था, जहां डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को एक पुश मिलेगा, ज्यादा डेवलपमेंट हम देख सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अकॉर्ड है। और नॉर्थ ईस्टर्न जो एक हम कहें नेचुरल रिसोर्सेज तो वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ओइंग टू प्रॉब्लम्स, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं और जो इथनिक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उस क्षेत्र का। तो ये हम कह सकते हैं एक मील का पत्थर साबित होगा वहाँ के डेवलपमेंट को लेके। ठीक है, और हमारे मोदी जी ने वहाँ 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट्स भी अभी अनाउंस किए हैं। कोकराझार में उनकी रैली हुई थी और उसमें अनाउंस किया गया था। तो ये एक बहुत हम कह सकते हैं वहाँ के जो ग्रोथ है और वहाँ की पीस को कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा इस टाइप के पैकेजेस। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ जो इस हफ्ते हुई है, वो नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। तो ये क्या है, अभी बजट पेश किया गया था, यूनियन बजट, और उसमें इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है कि एक इस टाइप का एक मिशन बनाया जाएगा, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। तो ये इंप्लीमेंट किसके अंतर्गत होगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। तो ये इसके अंतर्गत ये इंप्लीमेंट किया जाएगा नेशनल मिशन। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड होती है, और ये नेचर ऑफ एनर्जी और मैटर को एक्सप्लेन करती है, और वो भी एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे। तो किस प्रकार से एनर्जी
और मैटर का क्या रिलेशनशिप होता है, किस प्रकार की उनकी प्रकृति रहती है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल में, ये हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ते हैं। और इसके जो अगर हम इंडस्ट्रियल इस्तेमाल देखें इसका, तो क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं उसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस और स्टोर करते हैं, और इस जो क्वांटम थ्योरी है क्वांटम लेवल को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि आपका क्वांटम टू लेवल सिस्टम्स, क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स, जो दूसरे जो क्लासिकल बिट्स होते हैं उसके बजाय इनको सुपर पोजिशन स्टेट में बनाया जा सकता है, जिससे कि हम टेक्नोलॉजिकल हम नए फ्रंटियर्स टच कर सकते हैं जो पहले की जो क्लासिकल टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो ये मिशन जो हमने बजट में बनाया है इसका जो मेन मकसद क्या है, हम इस टाइप के क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाना चाहते हैं, और जिससे कि हमारी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें हम चाहते हैं कि फाइबर और क्वांटम इंक्रिप्शन की मदद से हम एक नई टेक्नोलॉजी का विकास कर पाएं। इसके अलावा इसका जो एप्लीकेशन होगा दैट विल रिसीव बूस्ट इंक्लूड दोज इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो इसका बेनिफिट हमको एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके अलावा जो हम मौसम के प्रिडिक्शंस करते हैं उसमें भी, और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो वित्तीय ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, साइबर सिक्योरिटी आजकल एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया उभर के सामने आ रहा है साइबर सिक्योरिटी, तो जो भी हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग देखते हैं बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स हैं और उनसे संबंधित जो भी डेटा होता है उसकी सुरक्षा भी एक इम्पॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी है, और उसमें ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज का जो ये कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये फोकस करेगा, बहुत सारे हाईली स्किल्ड जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को भी इससे बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी देखे जाते हैं कि इनको एक पुश मिल सकता है इस टाइप की टेक्नोलॉजी और इस टाइप के मिशन से। और इससे एक और जो बेनिफिट होगा कि एक नए लेवल का इंटरप्रीनियरशिप भी विकसित होगा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए ही ये नेशनल मिशन बनाया गया है हमारे बजट में, जिसका अनाउंसमेंट हुआ है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करेगा। नेक्स्ट जो न्यूज इस हफ्ते आई है वो है ग्राम न्यायालय, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि आप 4 हफ्ते के अंतर्गत ये ग्राम न्यायालय हर जगह सुनिश्चित करिए। तो ग्राम न्यायालय 4 हफ्ते में बनाना, अगर कहें तो राज्य सरकारें इतने दिनों से ये कहा जाए कि इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को एक्टिविस्ट एक रूप लेते हुए उस चीज को कहीं ना कहीं वापस इस ट्रैक पे लाने के लिए निर्देश दिया गया है। तो यहाँ जो अगर हम बात करते हैं ग्राम न्यायालय की, तो मेजॉरिटी स्टेट्स ने इन चीजों को इस्टेब्लिश नहीं किया है, नोटिफिकेशन कर देते हैं लेकिन फंक्शन नहीं करते ग्राम न्यायालय, एक्सेप्ट कौन से राज्य, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान, यहाँ ये फंक्शनिंग अगर हम देखें तो यहाँ पॉसिबल हुई है, लेकिन दूसरे राज्यों में अभी भी वो एक स्लो प्रोसेस चल रहा है, उस चीज को फंक्शनिंग नहीं हो पाई है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा कि आप इन चीजों को भी इम्प्लीमेंट करें, और जिससे कि लोगों को न्याय सस्ते रेट पे आपको सुनिश्चित हो, उनको न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। तो अगर हम ग्राम न्यायालय की बात करते हैं, जिनको इंग्लिश में कहें तो विलेज कोर्ट्स, तो ये एक एक्ट था ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, इसके अनुसार ये मोबाइल विलेज कोर्ट्स बनाए जाने थे, और मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका एम था, वो क्या था कि जो ग्राम लेवल पे अगर हम रूरल एरियाज में देखें, जो हमारे जो एग्रीकल्चर और इससे संबंधित जहां भी एरियाज हैं रूरल एरियाज, तो वहां हम तेजी से ये जो अगर देखें तो स्पीड अप एक जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं, स्पीडी जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो रेगुलर जो जस्टिस सिस्टम है उससे बहुत लोग वंचित रह जाते हैं, एक तो पहली चीज बहुत ज्यादा स्लो है, और दूसरा है उसको असेस करना भी एक मुश्किल है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, तो अगर ग्राम लेवल पे ही अगर ये सारी चीजें मिलें तो बहुत सारी सुविधा लोगों को हो पाएगी। तो ये
इनएक्सपेंसिव जस्टिस सिस्टम है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता है, आपके डोर स्टेप्स पे मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स भी बनाए जाते हैं, सो इट एक्सरसाइजेस द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। और इसमें अगर आप क्रिमिनल केसेस भी देखते हैं, सिविल सूट्स, क्लेम्स और डिस्प्यूट्स विच आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल टू ग्राम न्यायालय एक्ट, तो ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट की दोनों की पावर यहाँ ग्राम न्यायालय में होती है, जिससे कि आप न्याय की जो उपलब्धता है जो ग्राम स्तर पे उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, न्यायाधीश कैसे यहाँ इसमें अपॉइंट किए जाएंगे, तो हमें ये देखना होगा कि जो राज्य सरकार है वो ऐसे कोर्ट्स बनाएंगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फर्स्ट क्लास जो होते हैं उनको बनाएंगी, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होंगे न्यायाधिकारी इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न फॉर ग्राम न्यायालय। तो इसमें राज्य सरकारों को पहल लेनी पड़ेगी और वो अपॉइंट करेंगे कोर्ट्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो न्यायाधिकारी जिसे कहते हैं, और इनकी किससे ये सलाह पे ये बनाएंगे, हाई कोर्ट जो होती हैं उच्च न्यायालय उस राज्य में वो उसमें मदद करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो ग्राम न्यायालय होते हैं वो रूल्स ऑफ एविडेंस जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में प्रोवाइड किया जाता है उससे बाउंड नहीं होते, बट दे आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस से ये बाइंड होते हैं, ना कि आपके एविडेंस एक्ट जो ना 1872 का है उससे बाइंड होते हैं, एंड दे आर सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट अगर कोई रूल बनाता है, कोई नियम बनाता है, तो उससे ये संबंधित रहते हैं, उससे ये अपना पावर लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं एक पुश है सुप्रीम कोर्ट की साइड से कि जिससे कि न्याय की उपलब्धता ग्राम स्तर पे सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद नेक्स्ट अगर न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजले ने यह अवार्ड दिया है पिंक सिटी। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं, तो इसको यह अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का। तो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यह है इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलरली कौन सी साइट्स होती हैं, ये कोई ऐसे वन एरिया होते हैं, वन क्षेत्र, या आपके पहाड़, आपके लेक्स, आपके कुछ ऐसे डेजर्ट्स, रेगिस्तान, या फिर कुछ ऐसी मॉन्यूमेंट्स होती हैं, आपके ऐसे भवन होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, सिटीज होते हैं, इन सबको कैटेगराइज किया जा सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। और यहाँ अगर हम बात करें तो इनकी जो समिति होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कमेटी, ये इस साइट्स को सेलेक्ट करती है और ये इन चीज़ों को चेक करती है, ओवरसी करती है विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को। तो यहाँ अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें इस प्रोग्राम का तो वो क्या है, टू सेलेक्ट एंड प्रिजर्व सच प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड विच आर नेसेसरी फॉर ह्यूमैनिटी। तो मानव समाज के लिए जो बहुत जरूरी ऐसी अगर हम देखें साइट्स हैं जिससे हम कल्चर को प्रिजर्व कर पाते हैं, तो उसको बचाना ये एक मेन लक्ष्य है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और इस प्रोग्राम का। तो यहाँ यूनेस्को प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वित्तीय असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा इस साइट्स के रखरखाव के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या होता है, ये सर्टिफिकेट जो इनको दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का, तो उसका बेनिफिट दोस्तों ये है कि इससे जो हमारा पर्यटन इंडस्ट्री है, जो आपका रीजनल जो डोमेस्टिक है, इसके साथ जो इंटरनेशनल जो अगर हम बात करें जो आपका पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ जो आपकी लोकल इकोनॉमी है, जो उस क्षेत्र की उस रीजन की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको भी पुश मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट के द्वारा। इसके अलावा जो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट,
जो हमारे अलग अलग क्राफ्ट्स बनाने की इंडस्ट्री होती है उसको भी बेनिफिट होता है, लोग आते हैं और वहाँ विजिट करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत, जहाँ हम लोग देखते हैं गरीबी से की रेखा से नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत परसेंट लोग, तो उसको अगर हमें ऊपर लाना है तो इस प्रकार के जो पर्यटन इंडस्ट्री है वो एक अच्छा, हम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसीलिए ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह प्रपोजल अगस्त 2018 में भेजा था और यूनेस्को ने इसको, पिंक सिटी जो हमारी जयपुर है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अभी प्रेजेंटली राजस्थान में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और जो वर्ल्ड सिटी है जो जयपुर का, ये अपने इनका जो ग्रिड पैटर्न है, ग्रिड पैटर्न जैसे 90 डिग्री पे ये क्रॉस करते हैं, इस प्रकार का जो पैटर्न पे ये सिटी बनी हुई है और इसको ये जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज क्या आई है इस हफ्ते, वो है चियोप्स मिशन। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो ESA, इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट, इसका शॉर्ट फॉर्म है चियोप्स। तो कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज चियोप्स, तो आपसे ऑप्शन दे देंगे, चियोप्स कोई चीज खाने की चीज है या फिर वो कोई जगह का नाम है या फिर कोई रिसेंटली कोई लॉन्च कोई आपका मिसाइल है। तो ये क्या है, एक एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट है, इसका मेन काम है कि जो एक्सोप्लैनेट्स है, ऐसे प्लैनेट्स जहां व्यक्ति रह सकता है, हैबिटेबल प्लैनेट, जहां अर्थ जैसे कुछ और दूसरे प्लैनेट, उनकी खोज करने के लिए ये चियोप्स मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो यहाँ जो ESA का ये पहला ऐसा मिशन है जिसका मेन उद्देश्य एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स, तो ऐसे प्लैनेट्स जो हमारी जो सोलर सिस्टम है इसके बाहर कुछ ऐसे प्लैनेट्स की खोज करना है जहाँ पृथ्वी जैसा कुछ माहौल हो जिससे कि व्यक्ति रह सके, मानव रह सके, ऐसा चीज को खोजने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। और इसका जो मेन मकसद होगा चियोप्स का, ये मकसद होगा टू रिवील डिटेल्स अबाउट सम प्लैनेट्स एटमॉस्फियर, प्लैनेट के वातावरण के बारे में, वहां क्लाउड्स बनता है नहीं बनता है, इसके अलावा जो भी अननोन वर्ल्ड्स हैं उनकी भी डिस्कवरी, इससे पहले भी कुछ ऐसे दुनिया रही हो, तो ये सारा प्रोबेबिलिटीज हैं, लेकिन इसकी खोज करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो अगर हम नासा जो USA की स्पेस एजेंसी है, उसने इसी टाइप का कैपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया था इससे पहले और इसने ट्रांजिट मेथड की मदद से 2600 से ज्यादा कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट की खोज की थी और कुछ तो ऐसे थे जो बहुत दूर 300 से 3000 लाइट ईयर्स अवे थे। ठीक है, तो एजेंसी का जो नया जो प्लैनेट था नासा का, उसका नाम था ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट, इसको वर्ष अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इस हफ्ते हुई है, हमने देखा है चियोप्स के बारे में और उससे रिलेटेड दूसरी एजेंसीज ने कौन से इसी प्रकार के मिशंस लॉन्च किए थे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, आइए देखते हैं वो क्या हुआ है इस हफ्ते। रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीता है और ये कौन है, ये हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है उसकी महिला हॉकी टीम है, उनकी कैप्टन है रानी रामपाल और इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। और ये 25 ईयर ओल्ड रानी ये एक इंडियन हॉकी टीम की मेंबर रही हैं और ये 15 साल से इस गेम से जुड़ी हुई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो गूगल कंपनी जो इंटरनेशनल एक सर्च इंजन है, तो इसने, ये कंपनी ने $1 million का ग्रांट दिया है, किस लिए, कि न्यूज लिटरेसी, न्यूज के बारे में सही जानकारी मिल पाए इसके लिए ये इन्होंने ग्रांट दिया है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो फेक न्यूज, गलत न्यूज, झूठी न्यूज आजकल बहुत ज्यादा फैलती है, उसको कहीं ना कहीं एक रोकना है, काउंटर करना है, तो उसके लिए गूगल न्यूज इनिशिएटिव ने एक लॉन्च किया है, $1 million का ग्रांट दिया है इंटर न्यूज, एक न्यूज लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन को।
तो ये ग्रांट का इस्तेमाल क्या होगा, इससे हम ज़्यादा बढ़िया स्ट्रांग नेटवर्क बना पाएंगे सीनियर रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट का इंडिया में। और इसके साथ साथ गूगल ने एक नया एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है टंगी। इसका फोकस होगा डू इट योरसेल्फ वीडियोस। नेक्स्ट अगर देखें तो नेम ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन इंस्पायर्ड बाय टीच एंड गिव। तो ये टंगी जो नाम है ये टीच एंड गिव नाम से इसका ये इंस्पायर्ड हुआ है। नेक्स्ट अगर न्यूज देखते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश इन्होंने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है अभी हाल ही में, इसका नाम है संप्रीति 9। तो ये स्टार्ट हुआ है 9th एडिशन इसका, और ये कहाँ हुआ है, उमराव मेघालय में। मेघालय का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, और इस ये फरवरी 3 से लेके फरवरी 16 तक ये जॉइंट एक्सरसाइज चलेगी। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि कॉपरेशन बढ़ाना है इंडिया और बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं उनके बीच, इंटर ऑपरेबिलिटी कैसे बढ़े, कैसे दोनों के बीच डिफेंस टाइज को और पुश मिले, और जिससे कि आगे आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस को अगर एक साथ जॉइंट एक्सरसाइज भी जॉइंट अगर कोई कंपेन करते हैं तो उसमें भी जॉइंट एक्सरसाइजेस में बेनिफिट मिलता है, और एक दूसरे से सीखने को तो जो मिलता है वो तो एडिशनल बेनिफिट रहता ही ऐसे जॉइंट एक्सरसाइजेस का। तो याद रखना है दोस्तों, संप्रीति नाम जहां भी आप देखें तो इंडिया और बांग्लादेश की जॉइंट एक्सरसाइज। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो पूछ लेते हैं, नाम दे देते हैं, पूछ लेंगे ये किस देश के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज अभी हुई है, ठीक है। तो संप्रीति किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं तो अभी यूनियन बजट 2020-21 प्रेजेंट किया है फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी कौन फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, निर्मला सीतारमन। तो इन्होंने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किया है। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की दोस्तों, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 में एक टर्म इस्तेमाल किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस जो बताता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी, और ये सारा ब्यौरा आपके बजट में दिया जाता है, ठीक है। तो कितना ले आया कितना गया ये सारा बजट आपको बताता है। इस साल का जो बजट पेश किया गया है दोस्तों उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है एस्पिरेशन डेवलपमेंट और कंपैशन। तो ये तीन वर्ड इसके मेन थीम है, एस्पिरेशन डेवलपमेंट और कंपैशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है रूबी गुला जो इसको ऑफिशियल मैस्कट का बनाया गया है, जो नेशनल गेम्स अभी 2020 में होने वाले हैं, कहां, पणजी गोवा में। तो गोवा की राजधानी है पणजी, वहां ये नेशनल गेम होने वाले हैं, और ये रूबी गुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल को बनाया गया है ऑफिशियल मैस्कट। तो ये इवेंट में 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 12,000 से ज्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ऑफिशियल्स करेंगे, और ये 37 स्पोर्ट्स जो टूर्नामेंट्स इसके अंतर्गत होंगे, उसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो ये फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है जो आप फोटो में देख सकते हैं, ये क्या है, स्टेट राजकीय पक्षी है गोवा का, ठीक है। जैसे हर स्टेट का अपना एक पक्षी होता है, उसी तरीके से ये रूबी गुला ये आपका गोवा का स्टेट बर्ड है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये रूबी गुला जो ऑफिशियल मैच कट है 2020 नेशनल गेम का, ये कौन से राज्य का स्टेट बर्ड है, तो वो गोवा का है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के ये प्लेयर हैं लॉन टेनिस के, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मेंस टाइटल जीता है। तो इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया है डोमिनिक थीम जो ऑस्ट्रिया के थे, उनको हरा के ये टाइटल जीती है। ये टाइटल या जो मैच हुआ था ये मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं मालदीव्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स को दोबारा ज्वाइन कर लिया है। ये इसको हटा दिया गया था बीच में, क्योंकि इसने खुद अपने आप को हटा लिया था, क्योंकि इसका क्रिटिसिज्म हो गया था ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और वहां जो वहां के प्रेसिडेंट ने ऐसे कुछ प्रावधान लॉन्च कर
ऐसे रूल्स और अपने ऑर्डर्स पास किए थे जिससे कि डेमोक्रेसी खतरे में आ गया था। तो इसकी वजह से जब क्रिटिसिज्म हुआ तो मालदीव्स ने अपने आप को कॉमनवेल्थ गेम्स से अपने आप को पीछे ले लिया। और अब इस साल अगर देखें 2020 में तो वंस अगेन इस साल इसने दोबारा रिजॉइन कर लिया है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट बदल गए, प्रेसिडेंट भी दूसरे आ गए हैं। तो मालदीव्स जो कि एक सार्क कंट्री है ना, और ये इंडियन ओशियन में स्थित है मालदीव्स, और एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इंडियन ओशियन कंट्री है इंडिया के लिए। अगर हम देखते हैं इंडियन ओशियन एज ए ओशियन ऑफ वेल्थ एज वेल एज कॉमर्स, तो अगर वहां देखें तो हम इंडिया के बहुत सारे जो कमर्शियल इंटरेस्ट इंडियन ओशियन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर सेफ जो आपका कहते हैं कि ट्रांजिट मिलता है इंडियन ओशियन में तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा इंडिया बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करता है दूसरे देशों के साथ जिससे कि इंडियन ओशन को सेफगार्ड किया जा सके। और जो चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है इस एरिया में इंडियन ओशन में, तो उसको भी काउंटर करने के लिए इंडिया और कोशिश करता है कि मालदीव से बेहतर रिलेशन रहे, क्योंकि चाइना वहाँ कोशिश कर रहा है अपने पैर जमाने के, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी उसने वहाँ स्टार्ट किए थे। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ये क्या है जिससे ये ज्वाइन किया है मालदीव्स ने, तो दोस्तों ये 54 मेंबर स्टेट्स हैं। जनरली कौन है ये, जो ब्रिटिश एम्पायर जो था पहले उससे उसी के मेंबर हैं जनरली ये इंग्लिश स्पीकिंग जो नेशंस हैं, और कुछ इसके अलावा दूसरे नेशंस। और इसकी हेड कौन होती है, क्वीन जो विक्टोरिया होती हैं सॉरी एलिजाबेथ, तो वो इसकी हेड रहती हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, 5 आर्कियोलॉजिकल लोकेशंस, तो 5 आर्कियोलॉजिकल लोकेशंस को आइकॉनिक साइट्स के रूप में डेवलप किया जाएगा, ऐसा निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने अपने बजट स्पीच में कहा है। तो आइकॉनिक साइट्स बनाया जाएगा, ये कौन सी साइट्स हैं, शिव सागर जो आसाम में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में, ढोलावीरा गुजरात में, हस्तिनापुर आपके उत्तर प्रदेश में, और अदिचनलूर तमिलनाडु में। तो इन 5 साइट्स को बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा आइकॉनिक साइट्स के लिए। और वहां क्या होगा, हर साइट पे ऑन साइट म्यूजियम का भी एक शिलान्यास किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जिससे वहां के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा सुगमता से अवेलेबल हो पाए और लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल पाए। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, सोमालिया ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, वहां लोकुस्ट जो सर्ज बढ़ गई है, लोग जो इंसेक्ट होते हैं इनका बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है, और कहा जाता है इसका जो मेन कारण क्या है वो एक्सट्रीम वेदर स्विंग्स, तो बहुत ज़्यादा जो वातावरण में चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये लोकस फार्म्स बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी जो देश की होती है वो कहीं खतरे में पड़ सकती है। तो सोमालिया कहाँ है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें सिचुएटेड है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये सिचुएटेड है, और ये लोकस्ट इन्फेस्टेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, इसीलिए इसने नेशनल इमरजेंसी घोषित किया है। इसके अलावा इमरजेंसी डिक्लेरेशन किस लिए किया गया है, जिससे कि पहली बात है फंड रेज किए जा सके और इस चीज को कंट्रोल किया जा सके, हार्वेस्टिंग जो अप्रैल में होने वाली है उससे पहले तक, ये इसीलिए किया गया कि फंड रिलीज किए जा सके, रेज किए जा सके और इस इन्फेस्टेशन से फसलों को बचाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कुछ संशोधन, किसमें, कोऑपरेटिव बैंक्स में, और जिसकी वजह से जो इनका रेगुलेशन था अब कोऑपरेटिव बैंक्स किसके अंदर में आ जाएंगे, केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आ जाएगा और इसकी रेगुलेशन के अंतर्गत आएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं सहकारी बैंक, इसमें ज़्यादा बेहतर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस आए थे जिसमें यहाँ स्कैंडल और इस टाइप के करप्शन के कुछ ऐसे केसेस के बारे में सुनने में आया था न्यूज़ में। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा बेहतर निगरानी हो पाए, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके इन कोऑपरेटिव बैंक्स की। इसके बाद अगर न्यूज देखते हैं दोस्तों, वो है इंटरनेशनल लेवल की न्यूज, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको इम्पीचमेंट जो महाभियोग चल रहा था उसके जो चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए थे उससे ये
अपने आप को बरी हो गए हैं, एक्विट हो गए हैं, वहां के जो सीनेट चला रहा था वो सब से इनको हम कह सकते हैं कि इनको बेनिफिट मिल गया है, इनको उससे ये एक्विट हो गए हैं। तो ये इनके ऊपर जो मेन इम्पीचमेंट महाभियोग चल रहा था वो उसके दो मेन जो कारण थे, अब्यूज ऑफ पावर, इन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, और कांग्रेस जो वहां का पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है कि ऑब्स्ट्रक्ट किया। तो ये इन दोनों ही आरोपों को खारिज करते हुए महाभियोग की कार्यवाही खत्म कर दी गई और ये सभी ये ऐसे चार्जेस से बरी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम लोग न्यूज, वो है रोमानिया की जो प्रो यूरोपियन गवर्नमेंट है, जो यूरोपियन यूनियन को ज्यादा हम कह सकते हैं क्लोज रही है, वो कोलैप्स हो गई है क्योंकि उसके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो रोमानिया की ये ऐसी गवर्नमेंट गिर गई है और ये गवर्नमेंट सिर्फ 3 महीने के लिए थी लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इसके खिलाफ पारित हो गया है। अब प्रेसिडेंट जो वहां के हैं क्लॉस लोहानिस, इन्होंने एक नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया है और उसे कहा है कि आप मेजोरिटी प्रूव करें। तो रोमानिया कहां है यूरोप में। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का इंपॉर्टेंट न्यूज और उसके उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे कि आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस या इंफॉर्मेशन जो पूछी जाती है वो गलत ना हो। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी आपके सामने कुछ न्यूज और एनालिसिस सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट।